हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, क्या देख रहे थे? 11th क्लास का टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ देख रहे थे. कल तक हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब सेल का इंट्रोडक्शन देखा. सेल के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी देखी. देन वी विल डिस्कस द साइज, शेप, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सेल. अब उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल देखे. वी हैव डिस्कस प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर. ठीक है, कल मैंने आपको एक एनिमल सेल, एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल. प्रोकैरियोटिक में वी हैव डिस्कस द टिपिकल बैक्टीरियल सेल. ठीक है, और यूकैरियोटिक में वी हैव डिस्कस द प्लांट सेल एज वेल एज द एनिमल सेल. यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने एक एनिमल सेल का सिर्फ डायग्राम बनाया. ठीक है, उसमें इलेबोरेशन हम लोग आज देखेंगे. और प्लांट सेल का डायग्राम अधूरा था, उसको हम लोगों को क्या करना है, बनाना है. ठीक है, तो वैसे तो आज जो प्रॉपरली हम लोगों को पढ़ना है वो क्या चीज पढ़नी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, अगर एक एनिमल सेल की हम लोग बात करें, तो एनिमल सेल का टिपिकल शेप क्या होता है, हेक्सागोनल. टिपिकल शेप क्या होता है, हेक्सागोनल. एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस था, भाई देखो अगर अपन बाहर से अंदर चलें तो आपके एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. एनिमल सेल में सिर्फ जो आउटर कवरिंग होती है वो एक ही लेयर की होती है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या है कि सेल मेम्ब्रेन तो है, सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और आउटर कवरिंग होती है जिसे आप सेल वॉल कहते हो. ठीक है, जिसे आप सेल वॉल कहते हो. ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये बाहर वाली क्या है, सेल वॉल. एक मिडल लैमिला का कॉन्सेप्ट है, वो अपन लोग आगे जब सेल वॉल को डीप में स्टडी करेंगे तब बताऊंगी मैं. दो प्लांट सेल को, अगर दो प्लांट सेल को जोड़ना है, एक प्लांट सेल की सेल वॉल को दूसरे प्लांट सेल की सेल वॉल से जोड़ना है, तो एक ग्लू नामक, जैसे अगर आपको एक पेज और दूसरे पेज को चिपकाना है तो आप ग्लू, एक एडिसिव का यूज करते हो, तो उसी तरीके से अगर आपको एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल के साथ जोड़ना है, स्टिक करना है एक ग्लू नामक स्ट्रक्चर से, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको बोलेंगे मिडल लैमेला. मिडल मतलब दो के बीच में. तो एक सेल के सेल वॉल को अगर उसके एडजेसेंट सेल के सेल वॉल से जोड़ना है, तो व्हाट इज द इंटरमीडिएटिंग और मिडल स्ट्रक्चर, इट इज मिडल लैमेला. ठीक है, इसके बारे में डीपली हम लोग जब प्रॉपरली सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. वैसे एनसीईआरटी बेसिस पर इतना नहीं है, पर फिर भी इसका कॉन्सेप्ट और लॉजिक मैं आपको इस बार जरूर क्लियर करूंगी. ठीक है, अब देखो प्लांट सेल के अंदर, देखो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स थे, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स थे, पर वो छोटे छोटे और काफी सारे थे और डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म. प्लांट सेल में क्या होता है कि 90% जो साइटोप्लाज्म का एरिया है, जैसे ये एरिया है, द एरिया गिवन है साइटोप्लाज्म, तो प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का एरिया है, ठीक है, या जो जगह खाली पड़ी हुई है साइटोप्लाज्म की, उसको 90% एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल वैक्यूल घेर के रखता है. ये देखो, ये आधे से ज़्यादा तो प्लांट सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो किसने घेरा, वैक्यूल. ठीक है, इसके कारण वैक्यूल सबसे ज्यादा 90% जगह घेर के बैठा हुआ है प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में. तो जिस तरीके से एनिमल सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड था, मतलब उसकी पोजीशन आइदर इन द सेंटर थी और टूवर्ड्स द सेंटर थी, लेकिन प्लांट सेल में क्या हुआ कि चूंकि वैक्यूल मैक्सिमम पोजीशन घेर के बैठा हुआ है साइटोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियस सेंटर में ना आकर साइड में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया. ठीक है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल का वैसा ही होगा जैसा होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैविंग न्यूक्लियोप्लाज्म, डार्कली स्टेन्ड बॉडी न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड मटेरियल है, जो कि सेल डिविजन के टाइम पर कंडेंस्ड होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स में, द डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है. ठीक है,
ठीक है, सब कुछ नहीं लिखूंगी क्योंकि एनिमल सेल में बता चुकी हूँ सिर्फ न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है एनिमल सेल में टूवर्ड्स और इन द सेंटर, और प्लांट सेल में क्या होती है थोड़ी सी शिफ्टेड। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ ऐसा ही होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और राइबोसोम्स भी क्या होंगे, दो तरीके होंगे, अटैच्ड मतलब प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऑन द मतलब साइटोप्लाज्म में फ्री डिस्पर्स्ड भी हो सकते हैं। तो मैं यहीं पर ही आर ई आर और एस ई आर दोनों बता देती हूं आपको, दिस इज एस ई आर, दिस इज आर ई आर, ठीक है, एंड फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास लाइजोसोम्स होंगे पर उनका नंबर एनिमल सेल के कंपैरिजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है, और क्या क्या होगा, अगर एनिमल सेल में एक्टिविटी करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग बाय माइटोकॉन्ड्रिया, सिमिलरली इट विल टेक इन प्लांट सेल आल्सो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज, जैसे एनिमल्स में एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स नामक स्ट्रक्चर बहुत यूनिक था जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। अब देखो, प्लांट सेल में एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है कि द प्लांट्स हैविंग प्लांट सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसको करवाने के लिए उनके पास सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। अब उन प्लास्टिड में भी तीन तरीके के प्लास्टिड होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड नाम का एक सेल ऑर्गेनेल है प्लांट सेल के अंदर जो उसका यूनिक फीचर है, क्योंकि वो चीज़ एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो प्लास्टिड क्या है, तीन तरीके से देखे जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो एक्चुअली कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस खुद खाना बनाने में मदद कर रहा है, जो एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है उसमें इट विल ट्रैप द सनलाइट और प्रोवाइड द क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हैविंग अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इनसाइड इट और थ्रू विच इट एबल टू परफॉर्म द प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैसी शेप होती है इसकी, ऐसी, इसके अंदर स्टैक्स ऑफ ग्रेना होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अगर इसका इनलार्ज स्ट्रक्चर देखूं, सबसे पहले तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिक प्लास्टिड टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल का। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, फिर दूसरा कॉइन लाइक, ऐसे कॉइन की क्या है, एक ऐसे ठल्ले बने हुए हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्स बने हुए हैं, हीप्स बने हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर यूनिट को क्या बोलते हैं, ग्रेना। एक पर्टिकुलर कॉइन को, एक सिर्फ सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, ग्रेना। इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, और प्रॉपरली जो ग्रुपिंग होती है ग्रेना की वो है थाइलोकॉइन। ठीक है, ग्रेना और थाइलोकॉइड, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इतना डीप में नहीं जाना स्ट्रक्चर के, जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी। तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट भरा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट नाम के स्ट्रक्चर में है, वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस को
परफॉर्म करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब क्या है देखो, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, जो कि देखो इसके अंदर भी एनिमल सेल के जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी फॉर्म में होंगे? पतले पतले फिलामेंट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर माइक्रोफिलामेंट्स नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर माइक्रोफिलामेंट्स नाम के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। और भी बहुत छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज, और भी बहुत छोटी छोटी लाइजोसोम्स की जैसी माइक्रो बॉडीज देखने को मिलती हैं, बहुत छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज देखने को मिलती हैं। उन माइक्रो बॉडीज, उन माइक्रो बॉडीज में बहुत तरीके की चीजें आप देखोगे, जैसे नाम आएंगे। माइक्रो बॉडीज मतलब ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म में बॉडीज होती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं होता, पर कहीं ना कहीं वो और चीज़ों में एडिटिव यूज़ को प्ले करती हैं। तो ये जो छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज़ हैं, जो कि प्लांट सेल में मौजूद होती हैं, वो आपकी स्फीरोसोम्स की तरह होती हैं। उनको स्फीरोसोम्स बोलोगे, परोक्सीसोम्स, इस तरीके से, ठीक है। बात क्लियर हुई? ये आपका क्या है? ये आपका प्लांट सेल है। ये आपका क्या है? प्लांट सेल है। अब देखो, यहां पर बात खत्म करके अगर हम आज के टॉपिक को देखें, जो आज एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देख रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, आपको बेसिक स्ट्रक्चर में ये बेसिक कंपोनेंट्स हमेशा मिलेंगे। चाहे आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उठाओ, चाहे आप एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उठाओ, ठीक है, चाहे आप एक प्रोकैरियोटिक सेल उठाओ या आप यूकैरियोटिक सेल उठाओ, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो बना तो सेल का ही होगा। तो सेल के अंदर ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसी फंडामेंटल कंपोनेंट जो हर सेल में होती ही होती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, ठीक है। क्या होंगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में? कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ क्या क्या कंपोज्ड ऑफ, देखो, एक तो क्या होंगी, आउटर कवरिंग। बाहर से अगर हम अंदर चलें तो एक बाहर की कवरिंग, ठीक है, जो कि उसको शेप देगी, साइज देगी, एक तरीके की डेफिनेशन देगी, उसको प्रोटेक्शन देगी, रिजिडिटी देगी, फ्लेक्सिबिलिटी देगी। वो तो फिर आपकी आउटर कवरिंग के प्रॉपर्टीज और नेचर पे डिपेंड करता है। पर अगर हम बोलते हैं कि आउटर कवरिंग दीवार है, तो एक तरीके से क्या है, शेप दे रही है रूम को और प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग में या तो सेल मेम्ब्रेन होगी या सेल वॉल होगी। अब होता क्या है, जनरली अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में देखें, तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखो या यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप बैक्टीरिया को देखोगे, तो उसमें क्या है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। प्लांट सेल को देखोगे, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। लेकिन अगर एनिमल सेल को देखोगे तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। अब फंजाई को ले लो, फंजाई में सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। प्रोटिस्टा में कहीं पर होगा, कहीं पर नहीं होगा, मतलब एक आउटर कवरिंग में मिनिमम से मिनिमम सेल मेम्ब्रेन नाम का स्ट्रक्चर हमेशा सेल में प्रेजेंट होगा। उसके बाहर सेल वॉल होगी या नहीं होगी, वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद अब आप अंदर आओ, अंदर आने से क्या होगा, अंदर आके आप बिल्कुल सेंटर में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखोगे, जो कि हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सेल रिप्रोडक्शन कर रहा है, हमारा सेल कोई एक्टिविटी कर रहा है, हमारा सेल कोई सेल डिवीजन कर रहा है, कोई भी अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाना है, साइटोप्लाज्म में कुछ हो रहा है, जिसमें भी जो कुछ हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला, साइटोप्लाज्मिक एरिया है, एक अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक अवेलेबल प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपको काम करवाना है या काम की कंट्रोलिंग करनी है, तो वो कौन करेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। हेड क्वार्टर ऑफ द सेल,
हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। फिर आता है आउटर कवरिंग और न्यूक्लियस की बीच की जगह साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मास फॉर आर बॉडी, इज द लिविंग स्टेट ऑफ मैटर। विदाउट प्रोटोप्लाज्म वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, जो आपके वेरियस काइंड ऑफ सेलुलर कॉम्पोनेंट्स को स्टोर करके बैठा है और अलाउ कर रहा है, गाइड कर रहा है, एक तरीके से मैसेज दे रहा है कि आपको क्या करना है, एक्टिविटीज को कंट्रोल में करना है, एक्टिविटीज को क्या करना है, कंट्रोल में करना है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो कितना इंपॉर्टेंट था जब हम लोगों ने सेल की बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में, कि जैसे जैसे साइटोप्लाज्म में एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं वैसा वैसा न्यूक्लियस को उतना ज्यादा कमांड लेना पड़ता है। ठीक है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के रेशियो के साथ के अपने आप को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा, जितना एरिया उसका होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा। अगर एक न्यूक्लियस है तो डिवाइड कर दो और भेज दो जहां पर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म हमारी बॉडी की जितनी भी सर्वाइवल से रिलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसको क्या करता है, परफॉर्म करवाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, शुड आई रब दिस डायग्राम स्टूडेंट्स? अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ अपन और भी चीजें लिख लेते हैं, मैं पूरा लिखा देती हूँ आपको। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, ये पूरा नहीं हुआ है अभी। ठीक है, देखो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलोगे, प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलोगे, प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, मतलब इसमें भी स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीजें होंगी, इनके अंदर होंगी